आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल खीर की रेसिपी, जिसे आप बहुत कम समय में आसानी से बना सकते हैं। इसे हम साबूदाने और लौकी से बनाएंगे। इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी होता है और खाने में इतनी टेस्टी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए आज कुछ मीठा बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम साबूदाना भिगोएंगे। ये 1/3 कप साबूदाना मैंने लिया है। अगर इस छोटी कटोरी से मेज़र करें तो ये आधा कटोरी साबूदाना है, ये देखिए। तो हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। और मैंने इसको पहले से भिगो कर रखा हुआ था, ये देखिए साबूदाना फूलकर बड़ा हो चुका है। तो पहले इन दानों का साइज़ ऐसा था और अब ऐसा हो चुका है, बड़ा हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो इन्हें अच्छी तरीके से धोकर एक छलनी में निकाल कर रख देते हैं, जिससे सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और बाकी तैयारी कर लेते हैं। अब हमें चाहिए होगी लौकी, तो मैंने आधा लौकी लिया है और ये लगभग 250 से 300 ग्राम लौकी है। तो खीर बनाने के लिए आप एकदम फ्रेश लौकी लीजिए, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो लौकी को हम धोकर छील लेते हैं और फिर कद्दूकस कर लेते हैं। घिसते वक्त मैंने लौकी का बीज का पोर्शन थोड़ा छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें बीज है और ये खीर में अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हमें बहुत जल्दी से करना है, नहीं तो लौकी काली पड़ सकती है और खीर ख़राब हो सकती है। तो अब हम इन लच्छों को भून लेंगे। मैंने भूनने के लिए एक भारी तले की हांडी ली है, आप चाहें तो कोई भी भारी तले का बर्तन ले सकते हैं। तो फ्लेम को एकदम लो करके हांडी में 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। और घी गर्म होने पर जो लौकी हमने घिस करके रखा था उसको डाल देंगे और लगातार चलाते हुए लौकी को भून लेंगे, जिससे इसका सारा पानी सूख जाएगा और लौकी में से बहुत अच्छी सी ये खुशबू आने लगेगी। तो अगर आप लौकी को नहीं भूनेंगे तो जब आप दूध ऐड करेंगे तो दूध फट जाएगा, इसलिए इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनना बहुत ज़रूरी है। हमारी लौकी भून करके तैयार है और आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। चलिए निकाल लेते हैं एक बॉल में। अब हम इसी हांडी में 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालेंगे। ये 1/2 लीटर दूध और ये 1/2 लीटर दूध और डाल दिया मैंने। अब दूध को लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर उबाल आने तक हीट करेंगे। दूध उबल गया है, अब फ्लेम को धीमा कर देते हैं और दूध को लगातार चलाते हुए थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। आप देख सकते हैं कि दूध थोड़ा कम हो गया है हांडी में। अब हम इसमें डाल देते हैं साबूदाना, जिसे हमने पहले से भिगोकर और फुलाकर रखा हुआ था। अब हम दूध को लगातार चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। फ्लेम को आप मीडियम हाई रख सकते हैं, लेकिन लगातार चलाते रहें जिससे दूध नीचे चिपके नहीं। ये देखिए साबूदाना थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम दूध को थोड़ा और गाढ़ा करेंगे और चलाते वक्त कलछी को बर्तन के नीचे तक चलाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं चलाना है, बिल्कुल नीचे तक चलाना है जिससे दूध चिपकेगा नहीं। अगर आप ऊपर ऊपर से चलाते रहेंगे तो नीचे से दूध चिपक जाएगा और आपकी खीर जल जाएगी। तो ध्यान रखिए दूध को नीचे तक चलाइए। अब हम इसमें भुना हुआ लौकी डालेंगे और अच्छे तरीके से मिला देंगे। लौकी डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। और फिर डालेंगे 1/2 कप चीनी। अगर इस छोटी कटोरी से नापें तो ये 1 कटोरी चीनी है। तो ध्यान रखिए 1 लीटर दूध में हमने 1/2 कटोरी साबूदाना और 1 छोटी कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी डालते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। खीर को लगातार चलाते रहिए, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, मतलब जलने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखिए लगातार खीर को चलाते रहिए। अब मैंने 10 बादाम, 10 काजू, 10 किशमिश और 10 ही पिस्ते लिए हैं। किशमिश को छोड़कर मैंने बाकी सभी चीज़ों को बारीक चॉप कर लिया है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल हों। मैं सभी को खीर में डाल देती हूँ और अच्छी तरीके से मिला देती हूँ। और खीर हमारी लगभग तैयार है, सिर्फ थोड़ा सा केसर डालना बाकी है। ये केसर मैंने पहले से पानी में भिगोकर रखा हुआ था, मैं इसको भी डाल देती हूँ।
अब देखिए, खीर को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो फ्लेम को बंद कर देते हैं और खीर को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, खीर कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अभी ये थोड़ी हल्की सी गर्म है, आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखकर भी सर्व कर सकते हैं। चलिए सर्व करते हैं खीर। थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं और जन्माष्टमी स्पेशल खीर हमारी बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये खीर ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए और खूब मज़े कीजिए। जल्दी ही नई रेसिपी लेकर आऊँगी। बाय बाय।